मैं प्रियंका अग्रवाल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कक्षा 6 विषय हिंदी व्याकरण, जिसमें बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक है कृतिका, आज हम इसका दूसरा चैप्टर वर्ण विचार और उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की वो छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये तीन प्रकार के होते हैं, ऋ स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऋ स्वर इनके उच्चारण में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर इनके उच्चारण में ऋ स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। तीसरा है प्लुत स्वर, इनके उच्चारण में ऋ स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। आइए अब पढ़ें व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर वर्ण की तरह इनके भी तीन प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन उन व्यंजन को कहते हैं जिसमें जीभ मुख के किसी न किसी भाग को छूती है और तब जो वर्ण निकलता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ यानी अंदर से आने वाली आवाज, इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके वर्ण चार होते हैं, ये वर्ण य, र, ल और व। उष्म व्यंजन, उष्म का अर्थ होता है गर्म, यानी मुंह से हमारे गर्म हवा निकलते हुए जो वर्ण निकलते हैं उसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। ये है तलाविश, मूर्धन्य श, दंत श और ह। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है। आइए अब स्वर की मात्राओं को जानिए। प्रत्येक स्वर की मात्राएं होती हैं, लेकिन अ इनकी अ जो स्वर है इसकी मात्रा नहीं होती। अंग और अह ये हमारा अयोग भाव होता है। आइए अब हम पढ़ें वर्ण विच्छेद। शब्दों के शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखने की विधि वर्ण विच्छेद कहलाती है। जैसे कटहल, क में अ स्वर हो गया, ट अ ह अ ल अ, ये हमारा जैसे स्वर को हम उसी रूप में लिखते हैं और व्यंजन में हलन लगाते हैं। अब है उच्चारण। उच्चारण कैसे कहते हैं? किसी भाषा के वर्णों को मुख से बोलना उच्चारण कहलाता है। संपूर्ण विश्व में केवल हिंदी ही ऐसी भाषा है जिसे हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। अगर हम शुद्ध से बोलेंगे तो शुद्ध से हम सुन के लिख भी सकते हैं, और लिखते समय कभी कभी अशुद्धियां हो जाती हैं, जैसे वर्तनी संबंधी अशुद्धियां अ तथा आ संबंधी अशुद्धियां जब हम सुनते हैं तो स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते और अशुद्धियां कर बैठते हैं। उसके बाद बच्चों इसमें ढेर से एक्सरसाइज आपको दिए गए हैं जो आपको नोटबुक में भी कंप्लीट करना है और बुक में भी कंप्लीट करना है। यही आपका होमवर्क है। अगली कक्षा में मैं आपको तीसरा चैप्टर संधि पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।